जी आई नो प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश मीडियम दी 8th क्लास दी मैथ दी न्यू बुक चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज एक्सरसाइज 8.3 ते इस एक्सरसाइज दे लास्ट थ्री क्वेश्चंस 7 8 एंड 9 असी इस वीडियो विच करांगे। तुसी वीडियो नु बड़े ध्यान दे नाल देखो, सुनो ते समझो। सॉल्यूशंस नु अपनी नोटबुक विच कॉपी डाउन कर लो, पर बाद विचों इन क्वेश्चंस नु बिना देखे अपने आप करन दी प्रैक्टिस भी जरूर करो। सो आओ शुरू करिए। अगे वधन तो पहले प्यारे विद्यार्थियों, दसदा इसी चैनल के उत्ते तुहाडियां 8th क्लास नाल जुड़ियां कुछ होर प्लेलिस्ट भी हैगियां, तुसी ओह भी जरूर देखो। एक हैगी 8th मैथ नोट्स, फिर हैगी 8th साइंस, एक हैगी 8th इंग्लिश, फिर हैगी 8th ग्रामर, फिर हैगी मैथ कॉन्सेप्ट्स, ते एक हैगी मैथ शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स। सो तुसी उन्हां प्लेलिस्ट नूं भी जरूर एक्सप्लोर करके देखो। सो आ देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 की कहिंदा है, सबट्रैक्ट सम ऑफ एक्स टू एक्स प्लस 7 माइनस 2 एंड 3x x माइनस 2 प्लस 7 फ्रॉम 7x माइनस 1। सो बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, फ्रॉम 7x माइनस 1। इट मीन्स यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन द सम ऑफ दीज टू एक्सप्रेशंस। मतलब कि ए एक्सप्रेशन ते ए एक्सप्रेशन इन्हों ऐड करना, इतने प्लस का साइन आएगा ते फिर प्लस करके एचों सब्ट्रैक्ट करना है। सो मतलब क्या, मतलब ये 7x माइनस 1 माइनस फ्रॉम है ना, फ्रॉम एचों कटाना ते माइनस पूरी वड्डी ब्रैकेट पा के ते फिर ए लिख के ते इतने प्लस ए ब्रैकेट पा के ते इदा तीन ब्रैकेट आ जाएगी। ए माइनस पूरे सम नू है, ये दिस वन एंड दिस वन। आओ एक एक करके खोलते हैं, इन्हें इधर लिखी जाने हाले। सो माइनस पहले आ देखिए एक्स इंटू ए, 2x कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर। इन्हें तो अंत तक असं जुबानी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स इंटू 7 कितना आ जाएगा, प्लस 7x, तो माइनस 2 दिता ही होया। सो ये छोटी जी ब्रैकेट है साड़ी, ये खत्म हो गई। फिर प्लस तो 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वेयर, तो इतने माइनस हैगा 3 इंटू 2 माइनस 2 माइनस 6x, तो प्लस 7, तो लो जी ठीक है। हुण असीं ये प्लस का साइन है तो ये ब्रैकेट अंदर ली खोल देवे। सो 2x स्क्वेयर प्लस 7x माइनस 2 प्लस 3x स्क्वेयर, क्योंकि इतने प्लस हैगा तो ये साइंस कोई चेंज नहीं होगा, इस तरह पूरा लिख देंगे। हुण असी लाइक टर्म्स नूं अरेंज करांगे, ठीक है। 2x स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर, 7x दे नाल माइनस 7 6x ते माइनस 2 दे नाल प्लस 7, ठीक है। मतलब कि असी एक किस्म दा एडिशन वाला क्वेश्चन करदे पए हां। सो 2 प्लस 3x स्क्वेयर किन्ना हो जाएगा, 5x स्क्वेयर, 7x जो 6x स्क्वेयर किन्ना, x हो जाएगा, 1 हुंदा है ना, ते माइनस 2 प्लस 7 किन्ना हुंदा है, 7 जो 2 गया 5 प्लस 5 आ गया। हुण असी इह खोल लवांगे साइन। सो इतने भी खोलता 7x माइनस 1 माइनस ए 5x स्क्वायर आ जाएगा, ए प्लस है गया माइनस एक्स हो जाएगा, ए प्लस है गया माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। हुण इहनू रीअरेंज कर देंगे। सो यह बन गया माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x ए वाला, तो माइनस एक्स ये नाल लिख दिता, तो माइनस 5 तो माइनस अपना माइनस 1 ए वाला, तो माइनस 5 माइनस 5x स्क्वायर, तो इस तरह का इस तरह रहेगा, ठीक है, क्योंकि सिंगल टर्म हैगी है। तो 7x तो माइनस एक्स है, लाइक टर्म्स है, सो 7 चो बन गया 6 होंगे, सो 6x आ गया, तो माइनस 1 तो माइनस 5 माइनस 6, दिस इज अवर आंसर। यह हो गया साडा पहला क्वेश्चन। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन इसी टाइप का, एड 2xy x प्लस y प्लस z एंड, यह दोनों नू ऐड करो एंड देन सबट्रैक्ट फ्रॉम दिस। सेम क्वेश्चन जिस तरह का पहला सेगा, यदि लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हैगी। इन्होंने कहा कि एड, उन्होंने कहा कि सबट्रैक्ट दी, उन्होंने क्या कि सबट्रैक्ट द सम ऑफ सो एंड सो फ्रॉम सो एंड सो। इतने उन्होंने क्या, ऐड दिस एंड देन सबट्रैक्ट फ्रॉम सो एंड सो। सो फ्रॉम है गया, सो ए पहले आएगा, सो पहले लिख देता, माइनस पा के ए वड्डी ब्रैकेट फिर छोटी ब्रैकेट ए वाली, तो एंड की जगह प्लस, इतने सारा ए आ गया, ठीक है। हुण इहनू तो इतने खोल ही दिता, देखो 5 इंटू ए जल्दी खोलेंगे एक्स स्क्वेयर हो जाएगा, तो वाई 5x स्क्वेयर वाई, तो प्लस 5xy स्क्वेयर माइनस ए 5 फोर द 20 20xyz, ऐसे हो गया, ठीक है। हम माइनस एन देखिए, 2xy इंटू एक्स, 2x स्क्वायर वाई प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xyz, अंदर लिया अंदरली ब्रैकेट गोल वाली खत्म हो गई। प्लस हम इन खोलेंगे 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 3xyz, ठीक है। हमें प्लस है, सो कोई गल नहीं, असं ब्रैकेट बड़े आराम खोल सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट जी है स्क्वायर ब्रैकेट खुल जाएगी, तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे। सो ए पूरे टर्म्स में असी इस तरह लिख दिता, पर माइनस साइन करके असी बाहरली ब्रैकेट इसी तरह
इन्हें मेनटेन करा कायम रखा। सो 2xy + 2xy² + 2 लिख दिता। हूँ वी रीअरेंज द टर्म्स, लाइक टर्म्स को कट्ठे लिखा। सो 2xy + 3xy + 2xy² - 3xy² + 2xyz + 3xyz। ठीक है जी, हूँ इन अरेज करते हैं, जोड़ते हैं। देखो लाइक टर्म है जी x² y, सो 2 + 3 = 5, 5xy, तो एट 2 - 3 = 1, क्योंकि xy² लाइक टर्म है जी। 2 - 3 - 1, सो -xy², सो 2 + 3 = 5, सो xyz, 5xyz। हूँ इतने ब्रैकेट हटावे, क्योंकि इतने माइनस साइन है, सो सारे के साइन चेंज हो जाएंगे। सो यह प्लस है, यह बन जाएगा -5xy, यह माइनस है, यह +xy², यह प्लस है, यह माइनस हो जाएगा। सो यह साढ़े को आ गया यह वर्शन। हूँ लाइक टर्म्स को फिर अरेंज करा, इकट्ठे करा। सो 5xy + 5xy² + 5xy² - 20xyz - 5xyz। तो बच्चों साडा यह जोड़ा है 5xy - 5xy + - है गया, यह कैंसल आउट हो जाएगा। सो यह 5 + 1 = 6xy² तो -20 - -5 होंगे -25, सो -25xyz। ठीक है, आओ हम अगला क्वेश्चन, तो लास्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सो कहते प्रोडक्ट ऑफ पी क्यू आर एंड पी प्लस क्यू प्लस आर विल बी, एम इतने लिख दिता थोड़े लिए। सो पी क्यू आर इंटू पी प्लस पी क्यू आर इंटू क्यू प्लस पी क्यू आर इंटू आर। सो यह बन जाएगा पी स्क्र क्यू आर, यह बन जाएगा पी क्यू स्क्र आर, यह बन जाएगा पी क्यू आर स्क्र। सो दिस इज अवर आंसर बी, बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, अगे चलिए। अगला गया फाइंड वैल्यू ऑफ x² + x (x = 2). सो फॉर x = 2, x² + x (2), क्योंकि x जगह 2 पाना है, इतने भी 2 पाना है। सो 2 to the 4, तो 4 + 2 = 6। सो इतने = 2 आना सी बचे हो, इतने गलती हो गई, ठीक है। सो 4 + 2 = 6, सो आवर आंसर इज 6B। ठीक है, अगे चलिए, आखिरी क्वेश्चन आगे बच्चों। सो फाइंड y² - y³ - y⁴। सो बड़ा सौखा है बच्चों, वैन दी पावर, जब इस तरह पावर वाले नंबर जो होंगे ने एक्सपोनेंट्स होंगे ने, जो उन्होंने मल्टीप्लाई करिए तो बेस इज सेम y, 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 दैन वी एड दी पावरस। सो जिथे कोई पावर नहीं लिखी होंगी उन्होंने पावर 1 लिखी है। सो यह हो जाएगा y^(1 + 2 + 3 + 4). सो 1 + 2 = 3 + 3 = 6 + 4 = 10, 5^10। सो दिस इज अवर आंसर। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ xy + zx + 3x with 0। यह तो बड़ा आसान है बच्चों, 0 नू दुनिया के व्डे तो व्डे नंबर, दुनिया के छोटे तो छोटे नंबर, चाहे फ्रैक्शन के नाल, चाहे डेसीमल के नाल, चाहे नैगेटिव के नाल, चाहे अलजेब्रिक एक्सप्रैशन के नाल, जेदे नाल मर्जी मल्टीप्लाई करो। द प्रोडक्ट ऑफ एनी नंबर विद 0 इज ऑलवेज 0। सो ये चुप करके इतने 0 असीं टिक मार्क कर देना, कोई ज़्यादा ये बारे सोचने की कैलकुलेट करने की लोड़ नहीं है। सो ऐसी प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडी एक्सरसाइज 8.3 दे लास्ट सी क्वेश्चंस, ते इस वीडियो दे नाल तुहाडी एक्सरसाइज 8.3 भी इत्थे ही समाप्त हुंदी है। तुसीं इसी तरह नेम नाल, उत्साह नाल, अनुशासन नाल अपनी पढ़ाई करी चलो, ते अगले वीडियो तक लई रब राखा। तुहाडा सारिआं दा बहुत बहुत धन्नवाद।